डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड सब सरफेस सोइल। सरफेस सोइल क्या होती है और सब सरफेस सोइल क्या होती है। सरफेस सोइल जिसे हिंदी में हम पृष्ठ मृदा कहते हैं एंड सब सरफेस सोइल जिसे हिंदी में हम अवमृदा कहते हैं। तो सरफेस सोइल क्या होती है हम देख लेते हैं। इसमें एग्रीकल्चर जो वर्क है वो किए जाते हैं एंड जैसे मशीनरी हुई, मशीनरीज में हम करते हैं और प्रोडक्शन लेते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं और जो भी है वो सरफेस सोइल पे ही करते हैं, सब सरफेस सोइल पे नहीं किया जाता है। सब बिकॉज सब सरफेस जो सोइल होती है वो उसकी जो लेयर होती है वो हार्ड होती है, उसमें एग्रीकल्चर वर्क नहीं कर सकते, मशीनरी नहीं चला सकते। सो सरफेस सोइल क्या होती है हम देखते हैं। तो सरफेस जो सोइल होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या होती है वो अधिक होती है, क्रियाशीलता भी उनकी अधिक होती है उसमें एंड जो एरिएशन होता है वो सरफेस सोइल का अच्छा होता है, पोर भी अच्छे होते हैं वहाँ पे, जो है लेयर उसकी जो कठोर नहीं होती, उसमें सिलिकेट क्ले इनकी प्रचुरता होती है, सी अधिक होती है, फिजिकल कंडीशन जो भी होती है उसकी गुड होती है, डार्क ब्राउन कलर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है वो सरफेस सोइल में पाए जाते हैं। ऐसे कई कैरेक्टर है सरफेस सोइल के और जो भी सरफेस सोइल के कैरेक्टर होंगे वो उनका जस्ट अपोजिट सब सरफेस सोइल के कैरेक्टर्स हो जाएंगे। हम देखते हैं जैसे सरफेस सोइल की फर्स्ट पॉइंट है कि सरफेस सोइल की जो डेप्थ होती है वो 0 से 15 सेंटीमीटर होती है एंड सब सरफेस सोइल की जो डेप्थ होती है वो 15 सेंटीमीटर से नीचे की जो लेयर होती है वो सब सरफेस सोइल कहते हैं। सरफेस जो सोइल है वो पूर्ण अपक्षयित होती है, जो सब सरफेस सोइल है वो आंशिक अपक्षयित होती है। सरफेस सोइल में महीन कण, जैसे महीन कण क्या होते हैं सिलिकेट कले इनकी प्रचुरता होती है और सब सरफेस सोइल में क्वार्ट्ज हो गए, खनिज हो गए, इनकी जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी अधिकता होती है, प्रचुर मात्रा में मतलब वो पाई जाते हैं। और जो सरफेस सोइल होती है उसकी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है, धनायन विनिमय क्षमता वो भी अधिक होती है एंड सब सरफेस सोइल की कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है। फिजिकल जो कंडीशन होती है वो सरफेस सोइल की वो गुड होती है एंड जो इसकी सब सरफेस सोइल की जो फिजिकल कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, बैड होती है। उनमें कणाकार अच्छे होंगे, एरेशन अच्छा होएगा, क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगी, बेनिफिशियल इंसेक्ट पाए जाएंगे, ये सब सभी कैरेक्टर्स होते हैं, ये सभी इसके गुड होते हैं। इसमें जो सरफेस सोइल होती है इसमें कोई हार्ड लेयर नहीं होती है, जो 15 सेंटीमीटर तक की जो भी लेयर होती है उसमें हार्ड लेयर नहीं होती है। लेयर हमने वहाँ देखा था सोइल प्रोफाइल में, हम देखते हैं लेयर, ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर एंड सी लेयर जो भी होती है वो होती है सरफेस सोइल की, वो जो लेयर होती है उन्हें प्रोफाइल कहते हैं वही। तो इसमें 0 से 15 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है कोई कठोर लेयर नहीं होती है वहाँ पर एंड ये भुरभुरी होती है ऐसे सरफेस सोइल एंड जो ये है ठोस होएगी सरफेस सोइल होएंगी उनकी उर्वरा जो शक्ति है वो अधिक होएगी और इनकी सब सरफेस सोइल की कम होएगी, मतलब कम फर्टाइल होएगी सरफेस सोइल, सब सरफेस सोइल एंड सरफेस सोइल अधिक फर्टाइल होएगी। सरफेस सोइल का जो कलर है वो डार्क ब्राउन होता है और सब सरफेस सोइल का कलर लाइट येल्लो कलर होता है। सरफेस सोइल में न्यूट्रिएंट अधिक पाए जाते हैं, सब सरफेस सोइल में कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं सक्रियता अधिक होती है सरफेस सोइल में एंड वही सब सरफेस सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होएगी एंड जो सक्रियता है वो भी कम होएगी। जो सरफेस सोइल है उनमें ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं एंड सब सरफेस सोइल में कम पाए जाते हैं। सरफेस सोइल में एरेशन अच्छा होता है एंड सब सरफेस सोइल में एरेशन कम होता है, वायु संचार अच्छा नहीं होता है। तो सब सरफेस सोइल में पोरोशन पोर स्पेस भी अच्छे होते हैं, इसकी मतलब जो भुरभुरी होती है इसलिए हम एग्रीकल्चर वर्क भी कर सकते हैं और सब सरफेस सोइल कठोर परत होती हैं, जैसे हम कभी आपने देखा होगा कभी खुदाई करते हैं तो नीचे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो वो सब सरफेस सोइल आ जाती है तब। ओके गाइस थैंक यू।